हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत है आप सभी का जादूगर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 20,000 स्टूडेंट का जारी नहीं किया एडमिट कार्ड। यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट को लगा झटका, एडमिट कार्ड जारी ही नहीं हुआ, ना ही उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ बिहार बोर्ड ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,000 स्टूडेंट का जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, वो स्कूल का गलती से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूलों व कॉलेजों की गलती के कारण इंटर व मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के काफी संख्या में स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। सभी स्टूडेंट का भविष्य खतरे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार से, यहाँ पे देखिए बड़ा खबर निकल करके आया है। यहाँ पे कहा इंटर के 1287 स्कूलों के करीब 10,000 से अधिक स्टूडेंट के प्रैक्टिकल परीक्षा का अब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो आप बता सकते हैं कितने खतरे में है भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य कितने खतरे में है। यहाँ पे बताया गया कि वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है और यहाँ इसके साथ ही मैट्रिक परीक्षा की भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। इन सभी स्कूलों को यहाँ पे कहा गया कि एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक और मौका दिया है कि बोर्ड ने मैट्रिक के जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा फॉर्म शुल्क प्राप्त हाँ उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे बात आता कि कार्ड जिसका नहीं हुआ एडमिट कार्ड जारी, यानी कार्ड समिति के वेबसाइट पर 8 जनवरी को जारी कर दिया गया है, किंतु वैसे स्टूडेंट जिनका रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं परीक्षा फॉर्म शुल्क बकाया है उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। क्या आप इनमें से हैं तो हमें कॉमेंट करें। आप लोग भी क्या बकाया शुल्क जमा नहीं किए हैं तो आप लोगों का भी एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड से बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आया है। कहा गया कि इन सभी विद्यालयों को यानी कि 10 जनवरी तक शुल्क जमा करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक स्कूल ने बकाया शुल्क जमा नहीं कराया है। और भी अपडेट आपको बताएंगे। यहाँ पे इस अपडेट को बताने के बाद दूसरा अपडेट बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं इन स्कूलों को 20 जनवरी तक शुल्क जमा करने का सही समय दिया गया है। यहाँ पे कहा गया वहीं इंटर स्कूल व कॉलेजों को बकाया शुल्क 22 जनवरी तक जमा करने को कहा गया। इसके बाद शुल्क जमा नहीं करने वाले स्कूल का एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर आप नहीं करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग नोटिफिकेशन, बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है। इसके बाद दूसरी खबर में यहाँ पे देखिए क्या कहा गया। कहा इंटर मैट्रिक परीक्षा यानी कि 5 से 6 प्रखंड के बीओ कराएंगे 2000 बेंच डेस्क की आपूर्ति। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, आप देख सकते हैं कहा गया है यानी 2000 बेंच डेस्क की आपूर्ति कराएंगे। यहाँ पे इंटर मैट्रिक परीक्षा को लेकर 2 दर्जन केंद्रों पर 2000 बेंच डेस्क की आवश्यकता होगी। इंटर परीक्षा के लिए अधिक डेस्क बेंच की यानी कि जरूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे में 5 से 6 बीओ को उनके प्रखंड और आसपास के इलाके में बेंच डेस्क की आपूर्ति की जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया ऐसे स्कूल जहाँ मैट्रिक और इंटर के यानी के लिए परीक्षा केंद्र नहीं बनाए गए वहीं से व्यवस्था की जाएगी। और यानी कि कुढ़नी यानी कि बोचहा, कांटी, मुसहरी, पुरवन और मीनापुर के बीओ के इसके लिए अधिकृत बनाए जाएंगे। विद्या यानी कि विद्या विहार स्कूल में मंगलवार को डीओ अब्दुल सलाम अंसारी की अध्यक्षता में इंटर मैट्रिक परीक्षा के लिए निर्धारित केंद्रों के यानी कि केंद्राधीक्षकों की बैठक बुलाई गई थी। तो यहाँ पे आपको बता दें नाथुनी भगत हाई स्कूल में बांस बल्ले से होगा घेराव। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांस बल्लो यानी कि बांस से आपका घेराव होगा नथुनी भगत हाई स्कूल में। यहाँ पे 35 फीट में बाउंड्री नहीं होने से अब यहाँ पे इस जगह को बांस बल्ले से घेरा जाएगा। और यह भी बताया गया कि बैठक में हुआ वही डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज की। आप बता सकते हैं कि अब ऐसे ऐसे भी स्कूल है कि बांस बल्ले से यानी कि बाउंड्री को घेरा जा रहा है। तो हमारे बिहार में इस टाइप का भी स्कूल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार मैट्रिक इंटर परीक्षा का जो है ना 5 से 6 प्रखंड बीओ कराएंगे 2000 डेस्क बेंच, ये आपका जो आपकी बार और यानी कि एग्जाम सेंटर पे आपका जो होगा यानी कि आपकी बार आपका एग्जाम सेंटर सजाया हुआ रहेगा यानी कि बैलून आपका जो है टंगा हुआ रहेगा है ना, और बहुत अच्छा से आपका वहाँ पे एग्जाम सेंटर सजाया हुआ रहेगा जिसमें कि विद्यार्थी खूब सुंदर से एग्जाम दे पाए है ना। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।